तो गाइस मुझे पता है आप लोग नेटवर्क कनेक्शन एरर प्रॉब्लम से परेशान हो, यानी गाइस अगर आपका एयरटेल का सिम है तो आपका गेम ही नहीं खुल रहा है, ठीक है। यानी गाइस जिसका जिसका जियो सिम है उसका गेम जो है इजिली खुल जा रहा है, चल जा रहा है, ठीक है। बट गाइस अगर आपका एयरटेल का सिम है तो भाई आपका कुछ इस तरीके से प्रॉब्लम हो रहा है जिसका नेम है नेटवर्क कनेक्शन एरर, बार बार यही आ रहा है अगर आपका एयरटेल का सिम है तो, ठीक है। सो बहुत सारे एयरटेल के यूजर जो भी है वो परेशान है कि भाई मेरा गेम क्यों नहीं खुल रहा है, तो ऐसे करके गाइस ये वाला प्रॉब्लम आ रहा है ओनली एयरटेल सिम में, ठीक है। तो गाइस इसको मैं आपको बताने वाला, इसको जो आप लोग फिक्स कैसे कर सकते हो, यानी गाइस ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। तो अगर आपको गाइस इसका सॉल्यूशन जानना है या फिर गाइस इसको ठीक करना है तो वीडियो को कंप्लीट देखना। देखो गाइस इस वीडियो में आपको इसका तीन जो है ट्रिक बताने वाला हूं, यानी गाइस उन तीनों ट्रिक को गाइस अगर आप सुनोगे अच्छे से फॉलो करोगे तो आपका डेफिनेटली कोई ना कोई ट्रिक वर्क कर जाएगा, आपका गेम खुल जाएगा। तो वीडियो को एंड तक देखना अगर आपको जो है ट्रिक को जानना है या फिर गाइस आपको जो है गेम को खोलना है, ओके। सो चलो गाइस इस वाला प्रॉब्लम का आपको सॉल्यूशन बता देता हूं, बट उससे पहले गाइस अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दो, क्योंकि यार वीडियो बनाने बहुत ज्यादा मेहनत लगता है, ओके। सो चलो गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलो गाइस ट्रिक नंबर वन, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। तो सबसे पहले गाइस आपको प्ले स्टोर से कोई भी वीपीएन डाउनलोड करना है, ठीक है। गाइस आपको डाउनलोड करना है कोई भी वीपीएन ऐप जिससे गाइस आप लोग जो है वीपीएन कनेक्ट करके अपना गेम को ओपन कर सकते हो। चलो मैं आपको बताता हूँ कैसे कनेक्ट करना है। कोई भी आप लोग वीपीएन यूज कर सकते हो, मैं सुपर वीपीएन को यूज कर रहा हूँ, ठीक है। सो इसको मैं सबसे पहले ओपन करता हूँ, कनेक्ट करता हूँ अपने फोन में, ठीक है। तो गाइस जैसे मैंने इसको ओपन किया, अभी गाइस ये ओपन हो जाएगा, देन गाइस यहाँ पर आपको यहाँ पर जो है कनेक्ट का ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो देखना यहाँ पर गाइस कंटिन्यू है, तो कंटिन्यू में क्लिक किया, मैंने वीपीएन रेडी है, उसके बाद मैं यहाँ पर कनेक्ट में क्लिक किया तो कनेक्ट ये हो चुका है। एड वगैरह को मैं कट कर देता हूं। गाइस यहां पर देख लो मैंने वीपीएन को जो है अपने फोन में कनेक्ट कर लिया। यहां पर आप लोग देख सकते हो नेटवर्क के बगल में वीपीएन लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। यहां पर आप लोग ध्यान से देख सकते हो नेटवर्क के बगल में वीपीएन लिखा हुआ आ रहा है। तो आपको भी गाइस इस तरीके से अपना कोई भी जो है वीपीएन ऐप डाउनलोड करके वीपीएन अपने फोन में कनेक्ट कर लेना। गाइस वीपीएन ऐप से होता है क्या कि आपका नेटवर्क जो है पता नहीं चलता है कि आप कौन सा सिम यूज कर रहे हो, ठीक है। तो यहां पर आप लोग इस तरीके से ये ट्रिक को यूज करते हो, वीपीएन कनेक्ट करते हो, तो हो सकता है गाइस आपका फ्री फायर। तो गाइस आपको बस कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको कोई भी वीपीएन कनेक्ट कर लेना है, गाइस इजीली अपने गेम को ओपन कर पाओगे, खेल पाओगे, ठीक है। जब आपको गाइस हो जाए गेम खेलना या फिर गाइस आपको बंद करना तो वीपीएन को आप डायरेक्ट डिस्कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इससे कोई प्रॉब्लम है नहीं एंड गाइस इजीली अपना गेम जो है खेल सकते हो। बट हाँ, तो इस ट्रिक का इस्तेमाल जरूर करना, आपका गेम खुल जाएगा। एंड हाँ, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो, यार इतना अच्छा ट्रिक दे रहा हूं। तो चलो गाइस और दो ट्रिक जान ले। चलो गाइस अब मैं आपको ट्रिक नंबर टू बता देता हूं, जो कि गाइस ट्रिक नंबर वन से भी आसान है उसको मतलब गेम को ओपन करने के लिए। देखो ट्रिक नंबर टू में आपको कुछ भी नहीं करना है, बस आपको जो है यहां पर अपने फोन के होम स्क्रीन में चले जाना है। अब गाइस आप लोग क्या करते हो, अपना नेट से जो है गेम को खेलते हो, अपने एयरटेल सिम है आपका एंड गाइस आप लोग जो है नेट से गेम खेलते हो, तो वहां पर आपको कुछ नहीं करना, बस ऊपर आपको दिख जाएगा अपना डेटा को बंद कर देना है, ठीक है। अपना डेटा को बंद कर देना है एंड गाइस आपको वाईफाई कनेक्ट करना है, गाइस किसी से भी हॉटस्पॉट ले लेना, किसी भी अपने फ्रेंड के या फिर गाइस अपने घर वाले में जिसका भी फोन होगा उससे हॉटस्पॉट ले लेना, यानी गाइस वाईफाई कनेक्ट करना। देखो मेरा जो है वाईफाई कनेक्ट हो गया। अब गाइस मैं गेम को ओपन करता हूं, देखना गाइस मेरा गेम इजीली ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा फास्ट कर देता हूं। सो गाइस यहां पर आप लोग देख सकते हो मेरा गेम जो है खुल चुका है एंड इजीली गाइस मैं यहां पर गेम को जो है क्ले कर पा रहा हूं, गाइस देख सकते हो आप लोग, ठीक है। तो बस कुछ भी नहीं करना है ट्रिक टू में आपको, बस आपको किसी से भी हॉटस्पॉट लेना है, यानी गाइस वाईफाई से गेम खेल सकते हो। अगर आपका नेटवर्क काम नहीं कर रहा है तो आप लोग वाईफाई से खेल सकते हो, ठीक है। तो भाई ये ट्रिक नंबर टू था एंड गाइस ये सबसे ज्यादा बेस्ट ट्रिक था। ट्रिक नंबर थ्री की बात कर लेते हैं, तो ट्रिक नंबर थ्री बता देते आपको गाइस। देखो ट्रिक नंबर थ्री में आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपल आपका एयरटेल का सिम है, आपका गेम नहीं चल रहा है, ठीक है। तो उस सिम को गाइस आप लोग पोर्ट करवा सकते हो, यानी गाइस पोर्टिंग वाला ऑप्शन आपको बताएगा। पोर्टिंग मतलब होता है गाइस अगर आपका एयरटेल है तो आप लोग जियो में स्विच कर सकते हो, नंबर आपका सेम रहेगा, सिम का नंबर सेम रहेगा, बट आप लोग गाइस जियो से मतलब जियो से सॉरी एयरटेल से जियो यूजर हो जाओगे, ठीक है। एंड अगर आपको जियो से एयरटेल करना चाहते हो तो ऐसे भी कर सकते हो, मतलब जियो से एयरटेल, एयरटेल से जियो, इस तरीके से पोर्टिंग ऑप्शन आता है, तो उसको आप लोग कंप्लीट मतलब वो करवा सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको साइबर के पास जाना पड़ता है, वहां से आपको स्टोर में जाके करवाना पड़ता है, कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, ठीक है। तो गाइस इस तरीके से आप लोग करवा सकते हो, बट मैं रिकमेंड आपको ये नहीं करूंगा, बिकॉज गाइस आप लोग हो बच्चे एंड गाइस मुझे पता है ज्यादातर बच्चे ही खेलते हैं फ्री फायर को, तो गाइस आप लोग ये सब चीजें मत करना, बिकॉज आपका पेरेंट्स का अगर फोन है तो भाई ये सब चीज नहीं करना, ठीक है। बस आप लोग जो मैंने दो फर्स्ट एंड सेकंड का ट्रिक बताया उसको यूज कर लो एंड गाइस अगर आपका खुद का फोन है तो आप लोग इस तरीके से स्विच कर सकते हो अपना सिम को, ठीक है। तो यही बताना था वीडियो में, आई होप आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल गया होगा। बाय गाइस, मिलते हैं वीडियो में।